आपको एपिसोड देखना पड़ेगा ये जानने के लिए। मैं इसके आगे कुछ नहीं बता पाऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी आपको कि हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास आए हुए हैं और मैं पहली बार किसी फिल्म या किसी शूट पर साइकाइट्रिस्ट के यहाँ आई हूँ। तो इट्स इंटरेस्टिंग, बट आई गेस ये टेलीविजन एडिक्शन किस तरह से बनी है, आई वाज रिक्वायर्ड हियर, वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, हम सब इसमें ही जुड़े हुए हैं। इट्स वेरी नाइस टू हैव विद्या जी ऑन बोर्ड। ये है मोहब्बत की शान बढ़ गई आज। मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हूँ, मैं एक हद तक जानकारी पा सकती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या गया है, पर उससे ज़्यादा मैं वहाँ जाके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना तो नहीं सकती। तो एक हद तक जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं। रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये रिलेट कर पाने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि मांग औरत की होती है और सिंदूर पति के नाम का होता है, गला पत्नी का होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है, कलाई पत्नी की होती है, चूड़ियाँ पति के नाम की। तो आई थिंक ये सच्चाई है, ये रिलेट करने या ना करने की बात नहीं। दिव्यांका इस शो में एक साउथ इंडियन प्ले कर रही है, ये जानकर मैं बड़ी खुश हूँ। और फिल्म में हम सब साथ में हैं, पर हम सब साथ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम अलग अलग जगह पर ये फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, मैं टेलीविजन पर आकर मैं कर रही हूँ।